व्हाट्सअप गायस आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम जेताक्षी वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू सर एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स आई हैव अ वेरी स्मॉल मैसेज टू दोज़ हु टोल्ड दैट वीडियो ऑफ पी आई बी शुड बी एट फाइव ए एम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस पहले मैं भी एक नाइट पर्सन थी बट जैसे सर ने रीस्टार्ट करी फोर ओ क्लॉक वाली वीडियो तो मैंने जागना स्टार्ट किया सुबह इनिशियली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई ऐसा लगता था कि सो जाऊँ वीडियो चल रही है पर सो जाऊँ बीच में बट देन अटेंशन होने लगा और अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है सुबह साढ़े तीन बजे आँख खुल जाती है और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि आज सर क्या पढ़ाएंगे आज किसका नाम लेंगे वीडियो में तो वो बहुत अच्छा रहता है आई अर्ज यू टू वेक अप अर्ली अच्छा लगता है सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रोज़ सुबह चार बजे अगर अब तक मेरी किसी भी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो आगे के लिए भी तैयार रहना क्योंकि साल बदला है हम नहीं यानी कि अब तक आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी किसी बात से आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है मैं सुबह को उठा रहा हूं उससे किसी को प्रॉब्लम हुई है तो मैं आगे भी ऐसे ही उठाता रहूंगा क्योंकि साल बदला है हम नहीं बदले और जब तक उठाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं यानी कि तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो ये मुझे काफी अच्छा लगा जब इनके द्वारा ये मैसेज सेंड किया गया तो ये देखिए कि अगर आप लोग एक बार इस पैटर्न में आ जाएंगे ना यार फिर आप लोग खुद उस चीज से प्यार करने लगेंगे तो अभी पहले पांच बजे की एक बार आदत बना लीजिए आप लोग जिस दिन पांच बजे की आदत बन जाएगी फिर आराम से आप लोग चार बजे भी उठना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि फिर मार्च के महीने में ये वीडियो चार बजे आना स्टार्ट हो जाएगी तो पांच बजे की एक बार आदत बना लीजिए फिर आराम से चार बजे की भी आप लोगों की आदत बन जाएगी और ये जो यहाँ पर कमेंट है मुझे काफी प्यारा लगा ये हमारे फैमिली में सौरभ के द्वारा शेयर किया गया तो मुझे पढ़ते एकदम हंसी आ गई इसको पढ़ते एकदम मैंने कहा ये सही बात है यार तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपनी मेंटेन रख सकते हैं जिसको सुबह उठना है एक्सरसाइज करनी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है पर लेकिन कुछ जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़कर यहीं पर ही जाइएगा अब आगे उनको अपने साथ मत खींचा तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और देखिए चीजें अगर एक बार आप लोगों को रोकती है ना उस टाइम पर अगर आप लोग उनके सर पर पैर रखकर आगे निकल जाएंगे तो वो चीजें हमेशा आप लोगों के पैरों में रहेंगी और हमेशा आप लोगों का साथ देंगी आप लोगों को गोल अचीव करने में नहीं यकीन आता है तो एक बार इंप्लीमेंट करके देखो अपने आप खुद से यकीन हो जाएगा एक और छोटी सी बात जो रेगुलर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप एमसीक्यू वाली वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रहे हो तो यार देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसान के अंदर एक शरम होती है ना वो शरम इंसान की बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जब मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को किस टाइम नैनो मैगजीन चाहिए और आप लोगों से कमेंट में बोला तो यहां पर बीस हजार लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा यह बोला कि सर पांच बजे कम से कम इसको लेकर आओ यानी कि पांच बजे तो चार वाले भी पांच बजे साढ़े चार वाले तो पांच बजे वो देख ही लेंगे पांच बजे वाले भी यहां पर एक तरीके से 67 थे तो मैंने ओनली बोला कि जिस दिन पांच हजार लोग मॉर्निंग में उठ जाएंगे वीडियो देखने के लिए उसी दिन आप लोगों की एमसीक्यू की वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा और वो आप लोगों के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगी और इसी के साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बाकी किसी भी एग्जाम की अगर इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो शानदार तरीके से आप लोगों की थ्रू प्रैक्टिस होगी पर लेकिन एक छोटी सी चीज है क्योंकि मुझे पता है कि जो चीजें बिना एफर्ट के मिल जाती है ना इंसान उसकी इज्जत नहीं करता है पहले भी मैं वीडियो लेकर आया हूं स्टार्टिंग में पंद्रह पंद्रह हजार देखते हैं फिर घटकर उसमें ऐसे आ जाते हैं आठ हजार सात हजार मतलब ऐसे लगने लगता है कि यार फ्री में बट रहा है तो भंडारा चल रहा है तो खा लो बस निकल लो मन कर रहा है खा लो नहीं तो नहीं लिखो अगर पांच बजे उठकर आप लोग वीडियो नहीं देख सकते जो आप लोगों ने खुद ने बोली है कि हाँ सर पांच बजे उठ जाएंगे पांच बजे वीडियो लेकर आओ तो ये वीडियो उन्हीं को ये वीडियो तभी मिलेगी जब यहां पर पांच हजार बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग में लाइव आ जाएंगे अब ये आप अब की बार लेकर आओ चाहे अगले साल लेकर आओ उससे पहले एमसीक्यू की वीडियो में नहीं लाने वाला हूं क्योंकि यार कम से कम एक तरीके से जो चीजें बोल रही है उस पर तो डिगे रहो जब मैंने अपना बोला हुआ काम पूरा किया है तो आप लोगों को प्रोपर मॉर्निंग में, में वीडियो स्टार्ट किए तो कम से कम अब आप लोग ये काम पूरा कर दिए उसी दिन आप लोग मेरी भी इच्छा है कितनी इच्छा है इस वीडियो के लिए अगर वास्तव में आप अंदर इच्छा है इस वीडियो के लिए आप लोग देखते हो इसको बीस बाईस लोग देखते हैं शाम तक मॉर्निंग में उसमें से ओनली वन बाई फोर्थ बंदो को हूं और जबकि बीस में से लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग बारह तेरह ने बोला कि पांच बजे लेकर आओ तो आखिर क्यों तो फिर क्यों इस तरीके से आप लोग चीजें कर रहे हो तो मेरी भी थोड़ी सी एक ही है ये आप लोग जिद मान लो या कुछ ही मान लो चाहे अगली साल क्यों ना लेकर आनी हो जब तक पांच हजार नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो नहीं लेकर आऊंगा ठीक है ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है मैं उसकी जगह मुझे लगेगा तो कुछ और बनाना है तो मैं कुछ और टॉपिक्स वगैरह जो भी मन करेगा पर एमसीक्यू की वीडियो नहीं लेकर आऊंगा जब तक पांच हजार नहीं आएंगे ये जिद मान लो चाहे जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग अपने हिसाब से देखो क्योंकि यार एक तरीके से जब चीजें बोल रहा हूँ कर रहा हूँ सारी चीजें तो कम से कम इतना तो बनता है क्योंकि जिनका लगता है ना फ्री में बन रही फ्री में बट रहा है कि कर लो नहीं मन कर रहा है तो ठीक है फिर साइड में हो जाते हैं बोल के जरा सी देर में सामने वाले की मेहनत लगती है ठीक है और अकेला बंदा बैठा हूं सारी चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है सारी चीजें तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट भी डालना पड़ेगा फिर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन चाहिए उसके लिए अलग से मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो वो सारी चीजें मेरे पास कोई टीम नहीं है तो मुझे अकेले करनी है तो वो एक तरीके से मेरी फीस है कि मॉर्निंग में उठ के वीडियो जो बोल रहे हैं देखने के लिए जिन्होंने बोला है बीस ने वोट डाली है तो उसमें से मैं ओनली वन बाई फोर्थ के लिए बोल रहा हूं तो कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है तो आप लोग कंप्लीट करिए फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं ठीक है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के क्विज के बारे में काफी प्यारा क्विज है देखिए इसको एक ही क्वेश्चन आप लोग के सामने फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बातें की जा रही है यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के मिनिस्ट्री की तो मिनिस्ट्री के द्वारा अभी डिजिटली इनोग्रेट किया गया यहां पर सेवंथ नेशनल समिट ऑन गुड्स इसी के साथ में जो एक तरीके से रेप्लीकेबल प्रैक्टिस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो जानेंगे क्या है ये सारी चीजें इसके बारे में डिटेल में हम लोग अच्छे से समझेंगे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर एक बोल्ड टारगेट रखा गया है कि जो टीबी फ्री इंडिया टीबी यहां पर ये जो वीडियो देखने वाला टीवी नहीं है ये यहां पर वो टीवी होता है टीबी है ट्यूबर ठीक है तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है तो ये जो टीवी है, है तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है तो यहां पर कब तक इसको खत्म करना है ठीक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कब तक इसको खत्म करने का टारगेट है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये पहले मैंने बोला था कि चार बजे पांच हजार लोग उठ रहे हैं और अब तो पांच बजे जो आप लोग खुद बोल रहे हैं तब भी आप लोग नहीं उठ रहे हैं तो आप लोगों की इच्छा ही नहीं है वो वीडियो लाने के लिए तो आप लोग देखे खुद अब यहां पर बात करते हैं ट्यूबर ये कैसी बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है वायरस की वजह से होती है किसकी वजह से होती है ठीक है तो ये आप लोगों को बताने फंगी की वजह से होती है जो भी आप लोगों को यहां पर पता है इसके बारे में बताइएगा मुंबई के अभी यहां पर मुंबई के बारे में, के बारे में बात तो की जा रही है तो आप लोग यहां पर बताना है यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा बेसिकली डेवलप किया गया है आई से, आई सेंटर जो बेसिकली आई कैंसर थेरेपी है उसमें यह यहां पर है वन 106 जो प्लेक है उसको यूज करने की बात की जा रही है ओक्युलर ट्यूमर के लिए अब ये ओक्युलर ट्यूमर जो होता है वो किसके लिए होता है यह आप लोगों को यहां पर बताना है हालांकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है इसका तो यह फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इसको यूज किया जा रहा है तो इंडिजीनियसली यह डेवलप किया गया है, तो बहुत प्यारी न्यूज है और आंखों के बारे में कुछ और भी बातें मैं आप लोगों से करूंगा इस न्यूज के अंदर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो एनिमिक है एनिमिक का मतलब होता है कि उनके अंदर ब्लड की कमी है आखिर ब्लड की कमी कैसे है उस किस चीज के बारे में बात की जा रही है तो डिटेल में न्यूज जानेंगे हमारी कंट्री में भी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा ये बात बोली गई है वो रिपोर्ट का नाम आप लोग बता दीजिए बस ठीक है इसी के साथ में अगर बात करें जो एनिमिया की जो बीमारी देखने को मिलती है यहां पर ये ये दो रीजन की वजह से यहां पर ये विंटर वाले टाइम में अगर बात करें तो आज की डेट में जो खासकर जहां पर आप लोग देखते हैं ना बर्फ पड़ रही है नॉर्थ इंडिया के अंदर में तो वहां पर जो बर्फ पड़ रही है उसकी वजह से कई सारी चीजों की सप्लाई नहीं हो पाती है तो मेन दो चीजें यहां पर बताई गई है जिनकी सप्लाई नहीं हो पाती है जिसकी वजह से जो खून की कमी यहां पर देखने को मिलती है तो आप लोगों को बताना है यहां पर ये दो चीजें क्या है बेसिकली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया आशा इंडिया तो आशा की फुल फॉर्म क्या है यहां पर ये एनुअल अवार्ड है एक्सीलेंस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अर्बन है यानी कि शहरी ठीक है तो उसके लिए यहां पर यह है तो इसके बारे में आप लोग बताइए प्रधानमंत्री अगर बात करें यहां पर जो आवास योजना है अर्बन वाली इसमें बोला गया कि हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए यानी कि हर एक पर्सन के पास में उसका खुद का घर होना चाहिए तो यह कब तक का टारगेट है हर एक पर्सन के पास में उसका घर होना चाहिए तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा और इनडायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट तो हो चुका है बेसिकली आज का डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं ठीक है तो काफी प्यारी न्यूज है यहां पर ये है न्यूज के बारे में मुझे लगा एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर स्टार्टिंग में पर्सनलिटी के बारे में डिस्कस करो तो मोटिवेशन मिलता है तो अगर यहां पर पर्सन न्यूज हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छी खासी चीजें यहां पर जानने को मिलने वाली है और ये जो न्यूज आ रही है ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बारे में न्यूज आ रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या यहां पर यह इस बंदे को यहां पर लोन वुल्फ बोला जाता है यानी यानी कि कि अकेला भेड़िया जो जो आज के में में हमारी सोसाइटी हाई प्रोफाइल लोग हैं ना अपने आप को रिच रिच सो कॉल्ड पीपल बोलते हैं ये उनके साथ में बिल्कुल मैच नहीं खाते हैं इनका रहने का पैटर्न अपनी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग है ना ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं अपनी ही लाइफ को ये अपनी तरीके से जीना पसंद करते हैं ये एक चाइनीज पर्सन है जो रिसेंटली अभी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हमारी कंट्री के मुकेश अंबानी साहब को रिप्लेस कर तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर इनका नाम देखिए इनका नाम है जोंग शानसान। जोंग शानशान जो है ये फाउंडर है यहां पर बोटल वोटर जो कंपनी है आप लोग ये देखिए यहां पर आज की डेट में पानी को बेचकर भी इंसान जो है ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है ठीक है तो इनकी जो कंपनी का नाम है ये नौ, ये नो, इनका नाम है यहां पर नोंगफू तो ये नोंगफू स्प्रिंग जो कंपनी का नाम है यहां यहां पर हाँ पर ये ओवरटेक किए गए यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन इनके द्वारा यहां पर बेसिकली ओवरटेक किया गया रिलायंस जो इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है उनके जो कि रिचेस्ट पर्सन थे इसे अब इनको रिप्लेस कर ये रिचेस्ट पर्सन बन गए सेवेंटी बिलियन वर्थ के साथ में तो तो ये है। तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटी पर 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 नेटवर्थ तो हो गई है ये अब की बार बढ़कर यहां पर 77.8 बिलियन हो गई है और ये डॉलर के बारे में बात की जा रही है तो ये इलेवेंथ रिचेस्ट पर्सन बन गए ऑन द अर्थ यानी धरती पर ये ग्यारहवें सबसे अमीर प्राणी बन गए हैं तो यहां पर एशिया के अंदर पहले ये सबसे अमीर प्राणी है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं जैसे आप लोगों से बोलते हैं ना धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाला पर्सन तो उससे बोल्ट का नाम सबसे पहले दिमाग में आता था ठीक है आज की डेट में कोई ऐसा पर्सन है जिसने हुसैन बोल्ट को भी हरा रखा है तो उसका नाम आप लोगों को बताना है अगर हां तो कौन है वो पर्सन तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए देखिए इंसान जो है ना अगर प्र... क्या आप लोग देखते हैं क्या क्या काम करना है यार एक एग्जाम निकालना है ठीक है क्या काम करना है यार यहां पर सिलेक्शन चाहिए आप लोग ये सोचिए पर्सन क्या सोचते होंगे जिनको ये कि इस धरती पर मेरे से तेज कोई नहीं दौड़ना चाहिए ठीक है समझ रहे हैं कि क्या हाई टेम्पर होता होगा उस पर्सन का क्या सोचता होगा बंदा अपने दिमाग में कि इस धरती पर इस फील्ड में मेरे से ऊपर कोई हो नहीं सकता सोच के देखिए अंदर से गर्मी सी निकलना स्टार्ट हो जाएगी आप लोग लोगों और आप लोग कहां कहां परेशान रहते हैं आप लोग छोटी छोटी चीजों के अंदर परेशान रहते हैं तो थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ाइए तो चीजें अपने आप अच्छे लेवल पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो शाम शाम जो है यहां पर पहले ये वैक्सीन मेकर जो बीजिंग के अंदर जिसका नाम था वन ताई बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइज जो फार्मेसी एंटरप्राइज जो है ये इनके द्वारा यहां पर ये जो बेसिकली कंपनी थी इसको खरीदा गया तो आगे चलकर फिर इनके द्वारा यहां पर फ्यू। जो जो स्प्रिंग ये ये बेसिकली बोटल मेकिंग कंपनी है ये हाँ पर आने के बाद में में तो ये लिस्ट हांगकांग के अंदर हांगकांग वही है जो चाइना का पार्ट काफी लंबे समय से परेशान है और हांगकांग पहले किसके अंदर था ब्रिटेन के अंदर था ब्रिटेन ने चाइना को ट्रांसफर कर दिया पर लेकिन क्या बोला कि वन कंट्री टू सिस्टम फॉलो करना वन कंट्री यानी कि कंट्री तो चाइना ही रहेगी पर सिस्टम दो रहेंगे कैसा सिस्टम चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है पर लेकिन हांगकॉन्ग के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी उसमें उल्ट उसमें टांग मत लड़ाना ठीक है अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कब यहां पर ब्रिटेन ने जो हांगकॉन्ग है वो चाइना को ट्रांसफर किया था इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है ठीक है तो यहां पर ये जो पर्सनलिटी इनको लोन वुल्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लोग हैं ना जो अमीर सोसाइटी सो कॉल्ड अमीर सोसाइटी अपने आपको बोलते हैं वो काफी अलग तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं तो ये भी उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं इनका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है तो इसलिए यहां पर इनको बिल्कुल अलग तरीके से देखा जा रहा है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पर्सन न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी इंस्पिरेशन आप लोग ले सकते हैं यहां पर इनसे नेक्स्ट जो इम्पोर्ट न्यूज है पर ये सर्वे और रिपोर्ट के बारे में हाँ पर बात कर रहा है इसके जो न्यूज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर बात की जा रही है एनीमिया के प्रॉब्लम के बारे में नॉर्मली जो एनीमिया है ये आप लोग बोल सकते हैं हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होती ठीक है थीके? उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है एक तरीके से आप लोगों की बॉडी के अंदर में यानी कि एक तरीके से लोअर देन द नॉर्मल नंबर ऑफ रेड रेड ब्लड सेल और द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा हीमोग्लोबिन का नाम सुनते हुए मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज याद आ जाती है हमारे कॉलेज में एक बार ब्लड डोनेशन किया जा रहा था तो जैसे कि जो बच्चे थोड़े गाँव के होते हैं ना गांव के रहने वाले होते हैं तो वहां पर वो अच्छे से गुड़ वगैरह खाते हैं और सब्जी हरी सब्जी और सब कुछ गांव में अच्छी चीजें मिलती है मैक्सिमम जिनमें इम्प्योरिटी काफी कम रहती है हालांकि आज के डेट में तो खेतों में काफी सारी उल्टी सीधी चीजें डाल जाती है वो एक अलग बात है पर फिर भी एज कम्पेयर टू सिटी के वहां पर काफी प्योर चीजें मिलती है तो जस्ट कॉलेज में गया, गया था मैं तो उस टाइम पर जब ब्लड डोनेट करने की बात आई तो मैं गया ब्लड डोनेट कराने तो उसने मेरा ब्लड चेक नहीं किया और मुझे आगे भेज दिया मेरे पीछे मेरा दोस्त भी खड़ा था तो उसको बोला कि तुम अपना जो हिमोग्लोबिन एक बार चेक करा गया हो तो उसने बोला कि यार उसको क्यों भेज दिया मेरा क्यों चेक कर रहे हो तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे लगभग मतलब ऐसा ही बोला उन्होंने शायद दस पंद्रह या बीस साल का एक्सपीरियंस है मैं थोपड़ा देख के बता देता हूँ किसका हिमोग्लोबिन कितना है तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम पर यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग हेल्दी है ना एक तरीके से तो आप लोगों का जो चेहरा देखकर इंसान बता देगा कि हाँ इसके अंदर वो चीज़ है या फिर नहीं है तो उस टाइम पर ब्लड डोनेट किया तो मुझे हमेशा हिमोग्लोबिन देखते ही वो अपना किस्सा याद आ जाता है तो ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है ये खून की जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन की आप लोग कमी बोल सकते हो या रेड ब्लड सेल की आप लोग कमी बोल सकते हो जिसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है और महिलाओं में खासकर ये प्रॉब्लम जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है क्योंकि एक नेचुरल पीरियड साइकिल होती है महिलाओं के अंदर जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं तो ये जो पीरियड साइकिल है इसमें काफी जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से यहां पर महिला जो है काफी प्रॉब्लम में हथ रहती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नॉर्मली पाई जाती है

अब आप लोगों के दिमाग में यार होगा यार ऐसा क्यों यहां पर ऐसी क्यों प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो जानेंगे इसके बारे में सबसे बड़ी बात बोली गई है वो बोली गई डाइट तो तो यहां पर एक तो एक तरीके से आयरन होना चाहिए फोलिक एसिड होनी चाहिए और विटामिन बी ट्वेल्व होना चाहिए अगर इस कमी से आप लोगों को बचना है पर लेकिन ये नॉर्मली वहां पर देखने को नहीं मिलती है चीजें रीजन क्या है उसके बारे में जानेंगे पर लेकिन जो कंडीशन है एनीमिया की जैसे प्रेगनेंसी हो गया उसमें काफी ज्यादा ब्लड एक तरीके से बॉडी में से बाहर निकलता है जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो एक तरीके से आप लोगों ने सुना भी होगा जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है इतना पेन होता है तो अगर आप लोग कोई बोले ना कि मैं पेन समझ सकता हूं तो तुम नहीं समझ पाओगे यार वो वही समझ सकता है जिसने बच्चे को जन्म दिया है तो वो इतना ह्यूज पेन वहां पर देखने को मिलता है इसी के साथ में हैवी पीरियड्स जो होते हैं जो ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलता है कैंसर इसी के साथ में इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है और इनफेक्शन जो डिजीज होती है ये कई सारी कंडीशन होती है जिसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को कई बार मिल जाती है तो ये कुछ बातें हैं जो इससे रिलेटेड आप लोग याद रखेगा इसी के साथ में अगर और आप लोगों से इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करूं अगर बात करें हमारी कंट्री में भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये 22 राज्य का प्रस्तुत किया गया है इसमें से 15 राज्य है और इसी के साथ में यूनिटी तो जो यूनियन टेरिटरी है तो मोर देन हाफ जो चिल्ड्रन है आज के में वो एनिमिक है यानी कि आधे से भी ज्यादा बच्चे जो है उनके अंदर खून की कमी है 50% परसेंट जो वुमेन है चौदह राज्य के अंदर उनके अंदर भी आज के डेट में वुमेन की खून की कमी है तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो वुमेन है उनका खान पान कैसा है सबसे पहले फैमिली के बारे में ध्यान रखती है उसके बाद में अपना ध्यान रखती है तो एनिमिक्त जो कंडीशन है वुमेन की वो कंपे केंपरिट, वो कंपेरेटिवली लोअर है इन लक्षद्वीप केरला मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड है यहां पर लद्दाख गुजरात जम्मू कश्मीर वेस्ट बंगाल या दूसरे एरिया अगर लद्दाख के बारे में बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली नई नई ताजी ताजी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है तो यहां पर बोला गया कि नाइनटी जो बच्चे हैं इसी के साथ में 92.8 परसेंट जो वुमेन है और 76 परसेंट जो मेन है तो यहां पर इनमें एनिमिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो ये जो आज की डेट में हमारी कंट्री में सर्वे कराया गया है तो इससे बीमारी का पता चल रहा है तो यहां पर रीजन क्या बताया गया पहले अभी देखेंगे आप पर आप लोगों ने सुना होगा लाहौल हो स्पीति वाला जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर बर्फबारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है आप लोगों को तो अच्छा लगता है पर लेकिन जो रेगुलर वहां पर रहते हैं आप लोग तो घूमने जाते हैं बर्फ देख के आते हैं चलो ठीक है तो मन तो मेरा भी है घूमने का वो एक अलग बात है पर लेकिन उनके बारे में सोचिए जो हाँ चौबीस घंटे रहते हैं उनकी जो जिंदगी है वो दुशवार हो जाती है जब बर्फबारी होती है तो यहां पर नाइनटी वन परसेंट के करीब चिल्ड्रन और एट्टी टू परसेंट के करीब जो फीमेल है वो एनिमिक है तो यहां पर जो बेसिकली हिमालयन कोल्ड डेजर्ट यानी कि ये रेगिस्तान जो ठंडा है यहां पर ये इस तरह की कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है सबसे बड़ा रीजन यहां पर यह बोला गया है ना तो यहाँ पर वेजिटेबल प्रॉपरवे में फ्रेश वेजिटेबल पहुंच पाती है क्योंकि बर्फबारी इतनी ह्यूज देखने को मिलती है और फ्रूट भी यहाँ पर फ्रेश फ्रूट नहीं पहुंच पाते हैं खासकर जब लंबा विंटर का टाइम देखने को मिलता है तो ये काफी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर इनके अंदर खून की कमी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है तो जो भी हमारे एस फैमिली के मेंबर हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और बाकी अपना ध्यान रखिए यार देखिए ये चीजें सही नहीं है आगे चलकर दिक्कत होने लगती है और खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो बच्चे हैं उनका ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिए ठीक है तो ये कुछ बातें हैं आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग यहां पर ये बताइए मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा सबसे पहला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो कब प्रस्तुत किया गया था ठीक है अभी जो है ये पांचवें नंबर का है ठीक है तो बाकी के और मैं आप लोगों को बताता हूं जैसे कि पहला आप लोगों को बताने कब प्रस्तुत किया गया था जो सेकंड प्रस्तुत किया गया था वो 1998 से 1999 में देखने को मिला था और तीसरे नंबर का जो था 2005-6 में देखने को मिला था ये था दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का दो हजार में चौथे नंबर का था पंद्रह सोलह में और पांचवें नंबर का है अट्ठारह उन्नीस में तो ये जो प्रस्तुत किया गया अभी ठीक है कोविड 19 के चलते यह भी बाईस राज्य के लिए प्रस्तुत किया गया बाकी का रिमेनिंग जो है वो जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा तो पहला कब प्रस्तुत किया गया था यह आप लोगों को बताना है ठीक है तो ये क्वेश्चन समझ सकते हैं आप लोग तो इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिया करो फिर डेली आप लोगों को एक लकी विनर देखने को मिलेगा जिसको वीडियो के एंड में जिसका नाम सुनाया जाएगा इनके पूरे परिवार को उसका नाम पता चलेगा स्पेशल पर्सन जिसके द्वारा आंसर दे गए और मैं चाहता हूं कि डेली वहां एक नए पर्सन का नाम देखने को मिले ताकि प्रॉपर वे में अगर आप लोग आंसर देते हैं और ये मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं ठीक है तो वीडियो अगर पांच बजे उठकर देखते हैं तो पांच बजे से सात बजे के बीच बीच में जो आंसर दे देगा ठीक है इकट्ठा एक जगह आंसर देगा सारे कंबाइन कर उसी का नाम यहां पर लिया करूंगा आगे से ठीक है तो ये मैं कोशिश करूंगा ताकि उनको फायदा हो जो मॉर्निंग में उठते हैं यहां पर ओके आइए अब न्यूज के बारे में बात करते हैं भाबाटिक रिसर्च सेंटर बार के बारे में बात की जा रही है बार्क के बारे में बात की जा रही है एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो जब यहां पर बात कर रही है रिसर्च सेंटर के बारे में और एटॉमिक के बारे में बात की जा रही है तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली रिथोनियम के बारे में बात की जा रही है ठीक है तो यहां पर जो रुथेनियम है यहां पर रुथेनियम वन थेनियम वन जीरो सिक्स जो प्लैक है यहां पर ये ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है ओक्यूर ओक्यूर ट्यूमर ओक्युलर ट्यूमर मतलब एक तरह से आंखों के अंदर जो कैंसर पाया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है ओकुलर यानी कि आंखों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके बारे में बात करते हैं इनसाइड द आईज तो आप लोग ये पिक्चर देखिए आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर एक बच्चे की पिक्चर ब्लैक, -ब्लैक बन गया है यहाँ पर ये, और काफी हेल्प देखने को मिलेगी इस कैंसर को खत्म करने में ताकि बच्चा जो है प्रॉपर वे में उसकी आई जो है वो काम कर सके तो इसके चलते यहाँ पर ये यूज किया जा रहा है तो ये बेसिकली जो सर्जन है इसको यहाँ पर यूज कर पाएंगे तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के चलते भी यहां पर उसके पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी खड़ा उतरा है यहाँ पर ये जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया और फर्स्ट टाइम यहां पर ये हमारी कंट्री में बेसिकली जो बार्क है इनके कि भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर है जो कि हमारी कंट्री में काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में काम करता है ये कहां पर लोकेटेड है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है तो ये जो हमारी कंट्री में बनाया गया था उन्नीस में आज की डेट में अगर बात करें तो होमी जहांगीर भाभा साहब के द्वारा इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका वो नहीं कहते कि ईंट का पत्थर इसका रखा गया था एक तरीके से

ियम जो है वन जीरो सिक्स यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉर्म है ठीक है तो रेयर अर्थ मेटीरियल का नाम आप लोगों ने सुना होगा रेयर हैवी मेटल इसी के साथ में जो रिथ्यूनियम है यहाँ पर यह तो इसी के साथ में ये जो है प्लेटिनम जो एक तरह से जो हाँ पर प्लेटिनियम ग्रुप है

तो ये काफी इंपोर्टेंट है तो मेडिसिनल पर्पज के लिए यहां पर कैंसर जो रेडिएशन थेरेपी है, स्पेशली आईज और स्किन ट्यूमर के लिए इसको यूज किया जाता है तो यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं और ये जो अब तक यूज किया जा जा चुका है यहां पर लगभग सेवन केसेस में अब तक इसको यूज किया जा चुका है ट्रीट करने के लिए और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जिस तरीके से मान लीजिए कहीं पर एक छोटा सा कोई ऐसा इकट्ठा हो गया कोई इस तरीका ब्लड तरीके का तो अपने आपको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और एबनॉर्मल डिजीज बन जाती है आंखों के अंदर जो कि आंखों को लेकर डूब जाती है जैसे पिक्चर में आप लोगों को दिख रही है तो कभी भी अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसी कोई चीज दिखे तो तुरंत उसके लिए सीरियस हो जाइए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए वरना आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट यूज यहां पर बताया गया है ये यह यहां पर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो पावर करता है सैटेलाइट को तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है तो ये भी एक डिफरेंट इसका यूज हो गया एक तो आंखों में कैंसर ठीक करने के लिए और दूसरा जो सैटेलाइट को पावर पहुंचाने की बात की जाती है उसमें यहां पर यूज किया जाता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए न्यूज एक बार पूरी समझ लेंगे तो फिर माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आइए अब यहां पर लोगों को थोड़ा घर वर दिलाते हैं जिनके जिनके सर पर छत नहीं है उनको छत दिलाते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए तो रोटी कपड़ा और मकान ठीक है तो आइए मकान का जुगाड़ करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर तो बात की जा रही है प्रधानमंत्री हमारी कंट्री के जो मोदी जी हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्स तो यहां पर ये यह इंडिया जिसको आप लोग बोलते हैं जो घर वगैरह तो योजना तो अर्बन मिशन के बारे में बात की जा रही है तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता होगा पहले वो कंफ्यूजन में थोड़ा दूर कर देता हूं कंफ्यूजन क्या होगा इस स्कीम के बारे में तो थोड़ा समझिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास जो योजना है हमारी कंट्री में ये जो योजना थी हमारी कंट्री में ये लॉन्च की गई थी 2015 में 2015 में जब ये लॉन्च की गई यानी कि पूरे पांच साल कंप्लीट हो चुके हैं तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम पर बोला गया था कि हमारी कंट्री में टारगेट है कि 2022 तक कम से कम यहां पर 2022 तक जो है ये लगभग 20 मिलियन लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराए जाएंगे तो यानी कि ये आने वाले टाइम में जब हम अपनी कंट्री की आजादी की पिछहत्तरवीं आज सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर यहां पर लोगों को घर प्रोवाइड कराए जाएंगे पर लेकिन आप लोग समझिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में बिना घर के रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको अलग अलग ते फोकस देना पड़कर चलना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है जो अर्बन आप लोग बोलते हैं और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो इसके दो कॉम्पोनेंट देखने को मिलते हैं ग्रामीण वाली गांव में घर प्रोवाइड कराने के बारे में बात करती है और अर्बन वाली शहरों में घर प्रोवाइड कराने के बारे में बात करती है तो ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में तो यहां पर अगर बात करें जो अर्बन वाले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो हमारी कंट्री में जो ये आवास योजना अर्बन है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पुअर जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअरटी एलिवेशन उसके अंडर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है यानी कि जो ये शहर वाली है तो ये उस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पर लेकिन अगर बात करें दूसरी योजना के बारे में जो कि बेसिकली ग्रामीण के बारे में बात करती है ठीक है तो वो यहां पर जो देखने वाली मिनिस्ट्री है वो कौन सी होगी उसके बारे में आप लोगों को बताने वो गांव से रिलेटेड बेसिकली मिनिस्ट्री है ठीक है तो कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं अलग अलग अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं है। मोदी है जो जो आशा इंडिया है इसके तहत एनुअल अवार्ड दिए जा रहे हैं कि जिसने इंप्लीमेंट किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना को अर्बन वाले रीजन में मिशन तौर पर उन लोगों को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं तो ये जो आशा है यहां पर ये प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक रिसर्च कोई स्टडी कर रहा है कोई रिसर्च कर रहा है कोई 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 एंटरप्रेन्योर या फिर भी भी इसी तरीका ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है जिससे कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी यूज इस मिशन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प मिल रही है यानी कि किस तरीके से हम लोग घर जो है अफोर्डेबल लेवल पर लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं तो आप लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अगर निकाल कर लेकर आए कि यार ये आसान तरीका है ऐसे घर प्रोवाइड करा सकते हैं तो उसको यहाँ पर बेसिकली रिकेगनाइज किया जाता है इसके तहत अंडर आशा इनिशिएटिव जो है फाइव आशा जो इंडिया सेंटर है यहां पर जो कि सेटअप किए गए हैं जिसके चलते यहां पर जो इनकमेंट जो एक्सेलेटर सपोर्ट है वो प्रोवाइड यहां पर कराई जाएगी एक काफी अच्छे लेवल पर टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है मटेरियल के बारे में बात की जा रही है तो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव तो इसके चलते जो यंग माइंड है जो स्टार्टअप नए नए बना रहे हैं जो इनोवेटर है जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि जो नए नए बिजनेसमैन नए नए लोग जो आज के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना तो कुछ ऐसे माइंड निकलकर सामने आए जो कि ये बोले यार ये तरीके से ना हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग

बाकी ये साइड में कुछ फीचर भी दे रखे हैं कि ऑल वेदर हाउसिंग होनी चाहिए ठीक है वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए किचन की फैसिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए टॉयलेट होना चाहिए यानी कि हर एक मौसम का घर हो ऐसा नहीं कि छप्पर डाल दिया वहां पर और पता चला पानी टपक रहा है बारिश होती है ठीक है ठंडी में और दिक्कत हो रही है हालांकि ठंडी में एक बात देखने को मिलेगी छप्पर में ना गर्माई रहती है अब पूछोगे आपको कैसे पता है मुझे याद आ रहा है कि क्योंकि पहले जब हमारा घर था गाँव के अंदर तो वहां पर हमारे जो घर था वहां पर छप्पर हुआ करता था ठीक है तो उनमें बेसिकली उसमें कई बार एक तरीके से मुझे मुझसे आइडिया लगा उसमें इस तरीके से उसमें जाकर रहते हैं तो उसमें बेसिकली वहां पर गर्माई बड़ी रहती है क्योंकि एक तरीके से आप लोग देखते हैं जो खास पूछ का छप्पर बनाया जाता है तो ये एक तरीके से एक नेचुरल पॉइंट ऑफ से सही है पर लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है क्योंकि बार बार हम लोग को चेंज करना पड़ता था ठीक है तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज की डेट में तो नहीं अब तो वो दिन जो लद गए दिन यानी कि खत्म हो गए वो अलग चीजें हैं तो वुमेन इंपॉवरमेंट के बारे में बात करें बेटर क्वालिटी लाइफ के बारे में बात करें सिक्योरिटी के बारे में बात करें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसी के साथ में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये सारे फीचर इसके अंदर कवर यहां पर होने चाहिए तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है स्कीम के बारे में डायरेक्ट आप लोगों से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी से कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में लाइट हाउस मतलब हल्के 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 घर हल्के फुल्के यानी हल्का फुल्का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो एल लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये अंडर किसके ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जिसको जी बोलते हैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया यानी कि एक तरीके से ये चैलेंज के तरीके से लिया जाता है इसके चलते यहां पर जो सिक्स साइट है अक्रॉस द सिक्स स्टेट यानी कि छह छह राज्यों के अंदर जो साइट है उनको फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी से ये यहां पर इसके अंदर इसको स्टार्ट किया जा रहा है तो छह राज्य के अंदर जो छह साइट है वो कौन कौन सी है इंदौर के अंदर है मध्य प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर है इंदौर <laughs> सॉरी सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर राजकोट है यहां पर गुजरात के अंदर चेन्नई है यहां पर तमिलनाडु के अंदर रांची है यहां पर झारखंड के अंदर अगरतला है यहां पर त्रिपुरा के अंदर और लखनऊ है यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये छह साइट छह राज्य के अंदर आइडेंटिफाई की गई है जहां पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत यहां पर हमारी कंट्री में तो एक तरीके से बेस्ट न्यू एज ऑल्टरनेटिव जो एक तरीके से ग्लोबल टेक्नोलॉजी मटेरियल प्रोसेसर कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें प्रोपर वे में यूज कर हाँ हाँ देखने को मिल रही है तो फायदा क्या होगा जब टारगेट है ना हमारा कि 2022 तक लोगों को घर प्रोवाइड कराना है तो उसमें काफी हेल्प यहां पर देखने को मिलेगा तो याद रखना यहां पर ये जो सिस्टम है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया ग्लोबल हाउसिंग जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है यहां पर यह प्रोवाइड करेगा एक इको जिसके चलते

जो कंपेयर किया जा रहा है जो कन्वेंशनल घर बनाया जाता है ना कि ईट यूज कर कर आप लोग मिट्टी यूज कर कर सीमेंट यूज कर को बनाते हैं उसके कंपेयर में कोई और सॉल्यूशन है आप लोगों के पास में क्या और कोई तरीके से बना सकते हैं जो कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी के घर यहां पर देखने को मिले तो उसके चलते यहां पर ये बेसिकली सामने निकल कर आ रहा है यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लाया गया यहां पर ग्लोबल हाउसिंग चैलेंज जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोगों को घर बनाना है अच्छा आप लोगों ने कितने ऐसे फैमिली में जिन्होंने थ्री प्रिंटिंग के बारे में सुनाया थ्री डी प्रिंटिंग ठीक है अगर नहीं सुना है तो थ्री प्रिंटिंग के बारे में जाकर पढ़िएगा इसके ऊपर यूपीएससी भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है और अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आगे चलकर आप लोगों के स्टेट पीसीएस बैंक या फिर एस में भी क्वेश्चन आप लोग बन जाएंगे ठीक है तो थ्री प्रिंटिंग देखिएगा थ्री प्रिंटिंग जो है बेसिकली उसके अंदर आप लोग मटेरियल फिक्स कीजिए और जरा सी देर में कोई भी आइटम तैयार कर देता है तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करने की यहां पर बात की जा रही है तो इसके चलते यहां पर चलिए कोई एक वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर और हाँ टेलीग्राम पर ऑलरेडी लास्ट बारह महीने यानी कि जनवरी से लेके अभी फिलहाल दिसंबर तक की नैनो और जो दिंदो वाली जो पीडीएफ है वो सारी प्रोवाइड कराई जा चुकी है अगर रिविजन के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप लोग उनको डाउनलोड कर लीजिएगा सारी प्रोवाइड यहां पर करा दी गई है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के रिविजन के पॉइंट ऑफ और इसके लिए भी मैं एक पर्सन को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिनका नाम है आशीष आशीष हमारे एक फैमिली मेंबर है जिनके द्वारा काफी लंबे समय से मुझे मर्ज पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं वरना जब स्टार्टिंग में मर्ज पीडीएफ की बात आती थी तो महीना होते ही मुझे ऐसा लगने लगता है मैंने कहा यार अब मर्ज करनी पड़ेगी तो मर्ज करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी ठीक है तो ये कई सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर मेरा थोड़ा हाथ कई बार तंग रहता है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होने लगती है फिर टाइम की वजह से दिक्कत होने में तो टाइम रहता है वो सारी चीजें भी रहती है ठीक है तो वो सारी चीजें रहती है तो इस तरीके से काफी अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से ये एक अच्छी हेल्प मेरी की जा रही है उनके द्वारा काफी लंबे समय से इसी के साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा रिलीज किया गया कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स देखने को मिलेगा अगर कोई ऐसा इनोवेटिव काम करता है पर तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल कर लेकर आता है तो इसके चलते पर पर बात की जा रही है नवरथी यानी कि न्यू अफोर्डेबल एक तरीके से जो रहे रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडियन हाउसिंग तो ये इसका नाम दिया गया यहाँ पर ये यह। तो ये एक तरीके से 54 इनोवेटिव जो हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जीएचटीसी के तहत जीएचटीसी बिल्कुल भी नहीं बोला है डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है क्या है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ठीक है तो ग्लोबल लेवल पर हाउसिंग को लेकर जो चैलेंज है टेक्नोलॉजी को लेकर उसके बारे में बात की जा रही है तो दोनों न्यूज बिल्कुल काफी प्यारी न्यूज हो गई तो घर बनाकर ही छोड़ेंगे देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं तो एक साइड में पार्लियामेंट बन रही है और एक साइड में घर बन गया पार्लियामेंट के आसपास पे गया था मैं अभी एक दो दिन पहले वहां पर देखा तो उसके आसपास में जो है ना पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जो है बिल्कुल बड़े बड़े वो, वहाँ पर वो नहीं कहते जो लोहे के होते हैं वो तख्ते से लगाकर बिल्कुल काम स्टार्ट कर दिया है बस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मत करो भैया अभी रुक जाओ और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लगी पड़ी है अब देखो पता चला सुप्रीम कोर्ट को पता चला और पार्लियामेंट बनकर बनकर खड़ी हो गई चलिए जो भी है नेक्स्ट हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं आइए थोड़ा सा हेल्थ को भी देख लेते हैं यहां पर जो बेसिकली पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कोविड नाइन्टीन ने जो व्यवस्था है वो काफी चरमरा दी है अभी हमारी कंट्री में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन तो यहाँ पर इनके द्वारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा डिजिटली इनोग्रेट की गई सेवंथ नेशनल जो सबमिट है यहाँ पर ऑन गुड रेप्लीकेबल प्रैक्टिस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वो प्रैक्टिस जिनको प्रॉपर वे में आप लोग एक तरीके से व्यवहार में लेकर आ सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्वास्थ्य प्रणाली की उनको यहाँ पर एक तरीके से फोकस करने की कोशिश की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल समिट ऑन गुड जो रेप्लीकेबल प्रैक्टिस इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कैसे इनोवेटिव वे में हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिस ला सकते हैं जिनको प्रॉपर वे में जनता तक लाया जा सके तो पहली ऐसी सममि जो हुई थी दो में ये श्रीनगर के अंदर हुई थी ठीक है जिसके अंदर यहाँ पर जो इनोवेशन पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर ये बेसिकली फोकस किया गया था और लास्ट जो यहाँ पर ये गांधीनगर अभी गुजरात के अंदर देखने को मिली तो देखिए आज की डेट में अगर बात करें तो कई सारी पोलम सोसाइटी में देखने को मिलती हैं जैसे कि अगर बात करें उसमें से ट्यूबर भी एक है जिसको टीबी की बीमारी आप लोग बोलते हैं तो ट्यूबर कैसे बीमारी है एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी नॉर्मली देखने को मिलती है जो टीबी के मरीज हैं आप लोगों ने देखा होगा उनको बुलाया था कि मास्क वगैरह लगाकर रखना ताकि किसी दूसरे पर्सन को यह बीमारी न लग जाए तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया न्यू हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि हेल्थ के बारे में जो सिस्टम होगा वो इन्फॉर्मेशन रखे गए यहाँ पर ऑपरेशनल गाइडलाइन रहेंगी जो टीबी के लिए खासकर फोकस जो दिया जाएगा कि टीबी को बीमारी को कैसे यहां पर कंट्रोल करके चलना है सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली आप लोगों को कहां पर मिलेगी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर टीवी तो यहां पर ए बी डब्ल्यू यहां पर एच डब्ल्यू सी तो यहां पर यह आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो ये जो सेंटर यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन जो है तो इसके लिए यहां पर एक्टिव केस जो डिटेक्शन है और रेगुलर जो सर्विलेंस है फॉर लेप्रोसी तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको कुष्ठ रोग आप लोग बोलते हैं नॉर्मली ठीक है normally, तो यानी कि ये सारी चीजों को इकट्ठा करके यहां पर चला जाए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि हम लोग को टीबी जो है ट्यूबर की जो बीमारी है 2025 तक खत्म करनी है जबकि यहां जब पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है दो तक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ कहां पर आता है तो हेल्थ आता है यहां पर तीसरे नंबर पर हेल्थ और वेलबींग ठीक है तो इसके बारे में याद रखना तो यहां पर हेल्थ और वेलबींग well जो है वो तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं आप लोग देखते हैं ना जिस तरीके से जब आप लोग देखते हैं कि दिल की धड़कन चल रही है तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलती है ठीक है आप लोग उसको देखते हैं जब उसको स्क्रीन पर तो इस तरीके से याद रखेगा इस तरीके से तीन बन गया ठीक है तो ऐसे देख लीजिएगा तो तीसरे नंबर पर, well पर क्या आता है ये हेल्थ एंड वेलबींग आता है फोर्टीन पर क्या आता है लाइफ बिलो वाटर ये मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था कई बार डिस्कस कर चुका हूं तो ये भूलने नहीं आप लोगों को इनका यूज आप लोग आंसर राइटिंग में डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आइए अब यहां पर बात करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज के बारे में इंटरनेशनल जो न्यूज निकल कर आ रही है हमारे जो पड़ोसी देश है वो है भूटान उसके बारे में और ये आज की बात नहीं है पुरानी न्यूज है जो यहां पर अभी पॉपअप होकर सामने आ रही है क्योंकि जो बातें पहले बोली गई थी अब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एमओयू ऑफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है इंडिया और भूटान के बीच में कॉपरेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है आउटर स्पेस में आउटर स्पेस यानी के जो स्पेस है उसमें दोनों काम करेंगे मिलकर यहां पर तो बेंगलुरु थिम्पो ये यहां पर बेसिकली दोनों साइड से मिलकर काम करेंगे हमारी कंट्री में बेंगलुरु में और यहां पर थिम्पो यानी कि भूटान के अंदर रॉ तो मेटीरियल है ठीक है, कि है या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें आप लोग तो रिमोट सेंसिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है खासकर जो पृथ्वी के पास पास वाले एरिया के बारे में जो एक एनालिसिस करने का भी काम रिमोट सेंसिंग के थ्रू किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन कम्युनिकेशन यानी कि आज के डेट में अगर आप लोग बात कर पा रहे हैं आसानी से इसी के साथ में जो आप लोग टेलीविजन वगैरह देख पाते हैं वो सारी चीज़ें और नेक्स्ट नेविगेशन यानी कि अगर आप लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो जो लाइव एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग पर्टिकुलर जो गाड़ी कहाँ जा रही है ये सब चीज़ें वो आप लोग लगा पा पत, लगा पता लगा पाते हैं स्पेस साइंस के बारे में और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के बारे में यानी कि एक तरीके से जो प्लानेट है उनके बारे में भी एक स्टडी की जाएगी और स्पेस साइंस के ऊपर फोकस देकर चलेंगे स्पेस क्राफ्ट और स्पेस सिस्टम जो ग्राउंड सिस्टम है उन सबके ऊपर फोकस किया जाएगा

बाकी जो एमओयू है यहाँ पर ये ज्वाइंट वर्किंग जो ग्रुप आप लोग यहाँ पर सेटअप करते हुए नजर आएंगे ठीक है तो इसके चलते जो एक तरीके से भूटान में और हमारी कंट्री में मिलकर एक तरीके से काम किया जाएगा ताकि प्रॉपर वे में जो भी रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर टाइम टाइम फ्रेमवर्क के तहत यहां पर मिलकर काम कर सकें अच्छा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग बताइए हमारी कंट्री के कितने ऐसे राज्य हैं जो भूटान को टच करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बताइए बाकी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है यहाँ पर ये इसरो का और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है कहां पर है ये भूटान की ये दोनों मिलकर आपस में काम करने वाले हैं ताकि चीजों को प्रोपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके अगली जो न्यूज है यहां पर ये आप लोगों को डिफेंस और या फिर नेशनल दोनों लेवल की न्यूज के कैटेगरी में आप लोग इसको रख सकते हैं ये यहां पर बात की जा रही है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है जो डिफेंस के इक्विपमेंट है पर लेकिन सोचिए अगर इसको एक्सपोर्ट करने लग जाए तो कैसा रहेगा दूसरी कंट्री भी अगर हमसे खरीदे तो इसी के बारे में बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम को हम लोग ठीक है तो इसके लिए एक कमिटी सेटअप की गई है जो कि इसके चलते फास्टर अप्रूवल यहां पर

और यहाँ पर जो आर्मी को मिली ये 2015 में मिली यानी कि 2014 में ये एयर फोर्स की झोली में गिरी और 2015 में आर्मी की झोली में गिरी तो दोनों यहाँ पर आज के मिसाइल सिस्टम को यूज करते हैं आकाश जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है हमारी कंट्री में और नाइन्टी सिक्स परसेंट यहाँ पर ये इंडिजिनियस है इनके मैक्सिमम जो चीजें यहाँ पर ये अपनी ही कंट्री की चीजें यहाँ पर इसके इसके ऊपर यूज की जा रही है इसी के साथ में जो सर्विस जो सबसे आपसे इसको एंड किया गया तब से कई सारी जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनके द्वारा एक तरीके से मांग की गई कि यार हमको भी दो यार इसको थोड़ा ठीक है हम भी देखे चलाकर कैसे कैसी चलती है <coughs> तो कैबिनेट के द्वारा यहां पर यह बोला गया है कि आज के दिन जो प्रैक्टिस है यहां पर अगर बात करें इसके बारे में तो उसको लेकर चलने की बात की जा रही है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसी के साथ में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ठीक है तो वेरियस कंट्री के लिए यहां पर इसको इश्यू किया जा रहा है ठीक है तो ये रिक्वेस्ट है ओके इसके अगर आप लोग बात करेंगे कौन सी कमेटी है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो फास्टर अप्रूवल प्रोवाइड कराएगी तो सबसे पहले तो आंख बंद कर कर बोल सकते हैं कि रक्षा मंत्री भैया काम करेंगे ठीक है तो रक्षा मंत्री हो गए यहां पर हमारी कंट्री के राजनाथ सिंह एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए जयशंकर साहब आप लोग को यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है <laughs> ये भी काफी खूंखार पर्सनैलिटी है रियलिटी में यार काफी अच्छे से काम कर रहे हैं देश के लिए ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए इंडियन डिफेंस जो एक्सपोर्ट है यहां पर ये एक तरीके से पहले अब तक हम लोग कंपोनेंट्स बेचा करते थे पार्ट्स में बेचा करते थे पर लेकिन अब पूरा सिस्टम हम लोग बेचेंगे ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ठीक है यानी कि अब पूरा सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगा आज की डेट में ऐसा बोल सकते हैं और कैबिनेट के द्वारा जो इनिशिएटिव है यहां पर ये डिफेंस प्रोडक्ट के लिए ये ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है और एक प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिशन का अगर रहेगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा पता चला हमारी जो मिसाइल है वो इस तरीके से फुस हो जा रही है जैसे दीपावली के पटाखे ठीक है तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना टक्कर देनी चाहिए भाई साहब कहते चीर के निकल गई फाड़ के निकल गई बल्लू भाई <laughs> संडे मूवी किस किसने देखी आप लोगों ने संडे मूवी में डायलॉग याद है आप लोगों को कहता कि सुना यार तुमको गोली लग गई कह लगी नहीं चीर के निकल गई फाड़ के निकल गई भाई <laughs> तो आकाश जो है यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट ये सिस्टम हमारी कंट्री का तो इसके चलते यहाँ पर बिसाइड आकाश हम लोग और भी कई सारे काम करते हैं जैसे कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम के बारे में बात करें रडार या फिर एयर जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात कर रहे हैं तो कई सारी चीजें हम लोग अपने पड़ोसी देश है उनको प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे भूटान हो गया नेपाल हो गया श्रीलंका हो गया म्यांमार हो गया पाकिस्तान हो गया अगर उसको भी चाहिए तो <laughs> चलिए वो तो पता नहीं लेगा नहीं लेगा पर लेकिन ये सही चीजें हैं ठीक है एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा इसके चलते तो वेरियस कंट्री यहां पर आगे सामने निकल कर आ रही है तो वेरियस इस तरीके से अगर ऑप्शन रहते हैं हमारी कंट्री आगे चलकर तो एक दो तरीके होते हैं एक तो हमारी कंट्री में प्राइवेट जो है वो प्राइवेट को बेचे ठीक है एक होता है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट को बेचे और एक होता है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को बेचे तो इस तरीके से यहां पर ये सिस्टम सिन, सिन, तीन सिस्टम तीन आप लोग देखते हैं तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट भी अगर इंप्लीमेंट किया है तो काफी फायदेमंद देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहां पर राज्य के बारे में बात करें और राज्य के साथ साथ में एक स्कीम भी है यहाँ पर आप लोगों ने पहले एक स्कीम का नाम सुना होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दो में वो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका अपग्रेडेड वर्जन निकल के आया यहाँ पर रिम्यूनिटिव जो अप्रोच है फॉर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर तो इसके रिज्यूनिशन के बारे में बात की जा रही है अलाइड सेक्टर क्या होता है मान लीजिए आप लोग खेती तो करते हैं उसके साथ में मछली पालन करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है इसी के साथ में फूल बगवानी जैसे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं फल फ्रूट्स की सब्जियों की तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं ठीक है तो एक तरीके से अलाइड सेक्टर बेसिकली जो आप लोग नॉर्मली एक तरीके से एक्स्ट्रा जो काम थोड़ा बहुत आप लोग को साथ में देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्टेड है यानी कि एक तरीके से इसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर डेयरी लगा दिए ठीक है लगा दी तो बेसिकली किसान से रिलेटेड यहां पर खेती से रिलेटेड चीजें हैं तो उसी के चलते उड़ीसा के द्वारा बारह न्यू प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर सात लाख यहां पर खर्च किए जाएंगे काफी एक ह्यूज मनी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और किसानों की जो इनकम है ना डबल करनी है दो तक तो वो भी यहां पर एक गुणगान जो गाया जा रहा है देखते हैं डबल करते हैं नहीं करते हैं डबल तो तब करना पहले जो किसान बेचारे दिल्ली में पड़े हुए हैं पहले उन्हें वहां से हटाओ तो सही तो ये रिसेंटली अभी राज्य के अंदर यहाँ पर जो चेयरमैन है चीफ सेक्रेटरी ये यहाँ पर यहां पर है असित त्रिपाठी ठीक तो है तो ये यहाँ पर बेसिकली स्टेट लेवल पर जो काम कर रहे हैं बाकी यहाँ पर जो ट्वेल्व प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये ये फाइनेंस किए जाएंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर इनके कि साठ सेंट्रल पैसा देगी चालीस स्टेट पैसा देगी तो ये कैसी स्कीम हो गई यहाँ पर ये ठीक है एक तो होती है सेंटर सेक्टर स्कीम एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो कौन सी कैटेगरी में आएगी तो बोलिए बहुत बताइए आप लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगी तब तक मैं डिस्कस करता हूं आगे फिर बताऊंगा तो यहां पर मैनेजिंग ऑल जो यहां पर एक तरीके से जो आर्मी बॉम्ब होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो खेती को नुकसान पहुंचाते है कीट पतंगे ठीक है इसी के साथ में प्रमोशन किया जाएगा सोयल लेसर नर्सरी इन ट्राइबल रीजन यानी कि ट्राइबल रीजन में भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के बारे में फोकस किया जाएगा ई पेस्ट सर्विलेंट के बारे में बात की जा रही है इसी के साथ में जो मेटीरियल सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है नेक्स्ट यहाँ पर सप्लाई मिक्स फ्रूट प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है

तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए आप भी अगर अच्छे से आंसर देंगे तो डेली एक बच्चे का नाम मैं यहाँ पर लिया करूंगा एक एस फैमिली का जो आर्मी होगा इनके जवान होगा बच्चा तो बोलना गलत है अब जवान हो गए आप, आप लोग ठीक है ना तो आप लोग आर्मी के जवान बन चुके हैं आप लोग ठीक है और आर्मी हमेशा कभी पीछे नहीं हटती है सामने वाले को नस्ते नाबूद कर, कर आती है तो यहां पर काफी अच्छे से आंसर दिए गए इनके द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ग्यारह नवंबर ठीक है तो याद रखना यहां पर जो बेसिकली ग्यारह नवंबर हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है जो लॉन्च की गई थी इसी के पैटर्न पर एक स्कीम मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी वो मध्य प्रदेश की थी उस स्कीम का नाम बताइए रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा हालांकि आगे भी आ सकती है वो क्रूड ऑयल इन इंडिया ठीक है तो ये हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न जो है बेसिकली मुंबई के अंदर खासकर इसी के साथ में कृष्णा और गोदावरी वाले रीजन में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फोर्टी परसेंट के करीब ठीक है बाकी आसाम के अंदर ट्वेंटी सेवन परसेंट के करीब जो यहां पर देखने को मिलता है फाल्क जो आइलैंड है यहां पर यह ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है यूके की और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश में दिशा एक्ट उत्तर प्रदेश में दुराचारी एक्ट और महाराष्ट्र में शक्ति एक्ट तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ये महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है उनके बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि उन्होंने अपने दिन की स्टार्ट की है अपनी जो माँ है उनके पैर छूकर तो ये नए साल की स्टार्ट है तो काफी अच्छे आप लोग बोल सकते हैं देखिए एक तरीके से बोला जाता है कि माँ के कदमों में जो है वो एक तरीके से जहान होता है पर लेकिन ऐसा नहीं कि माँ के कदमों में होता है ये माँ और बाप दोनों को साथ में लेकर चलना है ठीक है वरना पिताजी बुरा मान जाएंगे और देखिए यार पिताजी जो है ना वो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर का अगर बात करें तो जो घर को आगे लेकर चलना है तो माँ बाप के बिना वो पॉसिबल नहीं है तो दोनों का अपनी जगह रोल होता है पर लेकिन ज्यादातर जो बच्चे होते हैं माँ के पास में इसलिए रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो घर से बाहर जाकर काम करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो पिता के कंधों पर रहती है तो इसलिए माता और पिता की जो जगह है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए हमेशा ठीक है आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया इंटरनेशनल न्यूज जान इंडिया और भूटान के बारे में डिटेल में समझा स्पेस में लेकर जा रहे हैं तुमको इसी के साथ में आकाश मिसाइल और क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं स्टेट के बारे में कैसे उड़ीसा के अंदर जो प्रोजेक्ट है कुछ उनके बारे में जाना हेल्थ के बारे में जो हम लोगों ने बात की पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्वे क्वेश्चन जो पूछा गया उसके आंसर भी आप लोग दीजिएगा डिटेल में समझा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो बातें की गई है ये आंख से रिलेटेड जो कैंसर है उसके बारे में हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट हम लोगों ने एनीमिया के बारे में जाना कहां कहां पर क्या क्या, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कीम है खासकर अफोर्डेबल घर प्रोवाइड कराना और वो सब चीजें वो समझी इसी के साथ में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी जो चैलेंज है उसके बारे में डिटेल में समझा हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना तो ये था टोटल आज का डिस्कशन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है अगर किसी भी रीजन से आप लोगों ने इंजॉय किया है तो लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएगा जिसको इसकी जरूरत है आइए अब क्विज देख लेते हैं फिर इसके बाद में रिविजन करेंगे रिविजन छोड़ के मत जाना वरना टांगे तोड़ दूंगा ठीक है रिविजन छोड़ के भाग जाते हो आप लोग वरना मैं रिविजन कराना बंद कर दूंगा रिविजन कर किस लिए रहा हूं यार आप लोगों के लिए आप छोड़ के भागने लगते हो बीच में ठीक है तो बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर कौन से यहां पर जिसके द्वारा सेवंथ नेशनल जो समिट गुड्स एप्लीकेबल प्रैक्टिस के बारे में बात की गई इसी के साथ में टीबी फ्री कब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है कब टीबी को फ्री करने का नेक्स्ट तो यहां पर ओकुलर के बारे में बात की जा रही है ओकुलर ट्यूमर के बारे में तो यहाँ पर इससे रिलेटेड किसके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है रिथ्यूनियम वन ठीक है जो ट्यूमर है किससे रिलेटेड होता है वुमेन और जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की जा रही है ये रिसेंटली अभी एनिमिय पाए गए हैं और खासकर किसकी वजह से ये भी आप लोगों को बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आशा के बारे में बात की तो फुल फॉर्म बतानी है और पी एम ए वाई क्या है यहाँ पर ये ये भी आप लोगों को बताना है तो ये थे टोटल आज का जो केज बाकी कल का जो केस है उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं हम लोगों ने बात की थी कि इसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था यहाँ पर ये ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ठीक है तो ये बेसिकली कहां से था ये था यहां पर भावपुर से लेकर खुर्जा ठीक है तो इसके बारे में बताना था रिलीज किसके द्वारा किया गया मेजरिंग ट्रेड इन्फ्लेशन आप लोग जानते हैं फोर प्लस माइनस टू कौन बात करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो वही होगा आंसर डिजिटल ओशन के बारे में बात की किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है यहां पर ये गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये राग भोपाली ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी कर लिया हालांकि यहां पर यह है यहां पर जरी जरदारी जरी दर, जरी जरदोजी ठीक है तो ये भोपाल के अंदर बेसिकली बात की जा रही है इसी के साथ में यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है यहाँ पर ये यह आप को बताना है ये एक 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 आप को बताना कम्पेन, एक जिला शिल्प एक किस राज्य का का है 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 ठीक वन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट यूपी तो ये कौन से राज्य का है इसी के साथ में नेशनल प्लांट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है नेक्स्ट यहां पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बोला है भाई साहब यहाँ से ऐसी हरकतें मत करो इको सेंसिटिव जोन वगैरह मत बनाओ यहाँ पर तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी के साथ में ब्रिगेडियर का नाम आप लोगों को बताना जिनको लोयन ऑफ नोसेरा के नाम से जाना माना जा जाता है क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया याद रखना आरबीआई बताता है यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में तो इसलिए मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन भी आरबीआई के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है साइंस के अंडर में आता है डिजिटल ओशन का जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा यहां पर बेसिकली राग भोपाली एग्जीबिशन लगाया गया मध्य प्रदेश ही यहां पर जहां पर एक जिला एक शिल्प और उत्तर प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट ठीक है आयुष जो मिनिस्ट्री आयुष है उसके अंदर आता है यहां पर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इसी के साथ में बात की जा रही है ये यहां पर सोलानपुर

तो इधर टोटल आज का डिस्कशन बाकी पीडीएफ जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना मेरे साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएगा आप लोग अपना एक तरीके से अटेंडेंस दे सकते हैं लेक्चर को लाइक कर कर जिस नंबर पर लाइक करते हैं वही आप लोग का नंबर हो गया पता चलेगा किस टाइम पर वीडियो देखिए अटेंडेंस नंबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए जितना पास में आएगा उतना ही जल्दी आप लोग का रोल नंबर रहेगा तो इसका मतलब आप लोगों ने जल्दी उठकर वीडियो देखी तो अच्छा टारगेट है तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ है अच्छे न्यू ईयर से स्टार्ट करते रहिए और कैसा आज का दिन एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए तब तक